लिंक रोड ज्यादती केस में अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम शफकत को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल कर ली गई। मुलजिम शफकत डकैती और ज्यादती के जुर्म का एतराफ कर चुका है। लिंक रोड ज्यादती केस में मुलजिम शफकत को चेहरे पर कपड़ा ढांककर सख्त सिक्योरिटी में एडिशनल सेशन जज मिसबा खान की अदालत में पेश किया गया। मुलजिम शफकत को एटीसी में जज ना होने पर सेशन कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने मुलजिम शफकत का 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जबकि ज्यादती केस में पुलिस ने दहशतगर्दी की दफात शामिल कर ली। पुलिस का कहना था कि शफकत ने आबिद अली से मिलकर खातून से दौराने डकैती ज्यादती की। शफकत की बाजाब्ता गिरफ्तारी डाल दी गयी, जबकि शफकत डकैती और ज्यादती के जुर्म का एतराफ कर चुका है। गुज़श्ता रोज गुजरपुरा ज्यादती केस में गिरफ्तारी देने वाले मुलजिम वकारुल हसन की निशानदेही पर मरकजी मुलजिम आबिद के दोस्त शफकत को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुलजिम शफकत ने खातून से ज्यादती का एतराफ करते हुए बयान में कहा कि 9 सितंबर को वो और आबिद डकैती की गर्ज से कार के पास गए, पहले खातून से लूट मार की, फिर ज्यादती का निशाना बनाया।